Your एक्सेलेंसीज, मैं आप सबका लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में आप सब प्रतिनिधि भारत की यात्रा पे आए। भारत जो विविधता, बहुलता, विविध संस्कृति वाला देश है, मुझे लगता है इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको ये समिट नए मापदंडों को नई दिशा देने में कामयाब होगी। आज हम पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल संबंधित प्री बैठक में भाग ले रहे हैं। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है और आज प्री समिट में इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय प्रतिनिधियों का अमूल्य योगदान होगा, विचार विमर्श होगा, ऐसी मेरी आशा है। योर एक्सलेंसीज, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। प्रकृति को आदर सम्मान देकर हमेशा हमने हमारे संस्कारों को इसी फलीभूत में हमने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति को इस दृष्टि से देखा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है, और यही पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना भी है। बदलते परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। हम विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अवगत हैं, इसलिए इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की मांग है। योर एक्सेलेंसीज, पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है। आज ये विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस विचार को आधार मानकर आज अलग-अलग देशों में अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार नीतियां एवं कार्य योजना भी बनाई जा रही है। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल विषय पर भारत की संसद में भी
व्यापक चर्चा हुई है, आवश्यकता होने पर कानून भी बनाए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल नीतियां एवं कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सबको अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिकता से योगदान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार 8 बिलियन वैश्विक आबादी में से यदि 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल विहार अपनाते हैं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम हमारी सर्वोच्च संस्था विधायी संस्था संसदों में मिशन लाइफ स्टाइल विषय पर चर्चा करें, वहाँ की अपने अपने देश की जनता को एक संदेश दें ताकि देश की जनता अपने जीवन में हिस्सा मानकर एक जन आंदोलन के रूप में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपके विचार अमूल्य होंगे और हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपट पाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक नई दिशा दे पाएंगे। आप सब पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पधारने के लिए।